हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ए पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस तरह की लैंग्वेज के लिए हम एक ग्रामर बनाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस एंड देन फॉलोड बाय दी एप्सिलॉन। इससे हम ये जनरेट करा सकते हैं क्योंकि मुझे एप्सिलॉन चाहिए, क्योंकि ए पावर जीरो का मतलब होगा एप्सिलॉन। नाउ अगर मान लीजिए कि मेरे पास लैंग्वेज ये गिवन है, ए पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो लैंग्वेज का सेट होगा उसमें एप्सिलॉन नहीं होगा बल्कि एज ही होंगे केवल। ये इंश्योर करने के लिए कि मेरे लैंग्वेज में एज ही है केवल, इसको हम टू स्टेप प्रोसेस बना सकते हैं इसका डेराइवेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड एप्सिलॉन। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिला कि हमने ये देखा कि अगर हमें सिंगल ए जनरेट करना है तो हम कह सकते हैं एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड कैपिटल ए एंड ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अगर मुझे डबल ए जनरेट करना है तो हम कहेंगे एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन इस ए को हमने उसी रूल से स्मॉल ए कैपिटल ए से जनरेट कराया, आगे एक्सपेंड कराया एंड देन वी कैन से दैट ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। इस तरह से डबल ए हमारा जनरेट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन ना रखने से, एस प्रोड्यूसर एप्सिलॉन ना रखने से हमारा काम आसान हो गया और हमने इस तरह की लैंग्वेज जनरेट, इस तरह की लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर लिख लिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, दैट इज ए पावर एन एंड बी पावर एम, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अगर ये लैंग्वेज है तो ये बिल्कुल इस टाइप की ही लैंग्वेज है। तो अब हम यहाँ पे कैसे इसको एक्सपैंड करें, हम कह सकते हैं कि स्मॉल सॉरी एस प्रोड्यूसेस कम से कम इसमें एक ए होगा और कम से कम इसमें एक बी होगा। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी कैपिटल बी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो ये कहता है कि पहले एज होंगे देन बी होंगे, तो स्मॉल ए एंड देन फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ एज बाई कैपिटल ए देन स्मॉल बी एंड देन एनी नंबर ऑफ बीज बाई कैपिटल बी। ए का एक्सपेंशन बिल्कुल ही हम प्रीवियस जो हमने ग्रामर लिया था उसके हिसाब से एक्सपेंशन करते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए और एप्सिलॉन, एंड बी को भी ऐसे जनरेट करते हैं स्मॉल बी कैपिटल बी एंड एप्सिलॉन। तो ये जो हमारा ग्रामर है दिस विल बी द ग्रामर फॉर ए पावर एन एंड बी पावर एन। मान लेते हैं कि हमें इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग डिराइव करना है, तो डिराइवेशन ट्री बनाते हैं। नाउ डेराइवेशन ट्री बनाने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग इसका है डबल ए एंड डबल बी, तो ये इस लैंग्वेज का पार्ट है डबल ए एंड डबल बी। इसको जनरेट कराने के लिए हम कहेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। लेफ्ट मोस्ट डेराइवेशन से इसको एक्सपेंड करते हैं इस कैपिटल ए को। सो स्मॉल ए कैपिटल ए वी हैव द सफिशियंट नंबर ऑफ द एज नाउ, देन लेफ्ट मोस्ट डेराइवेशन से इसको एप्सिलॉन सेट कर देते हैं। इसके बाद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में बी का नाम आएगा, बी में ऑलरेडी एक सिंगल बी आ चुका है, तो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी से सेकंड बी लेके आते हैं एंड देन इस बी से हम एप्सिलॉन जनरेट कर देते हैं। सो स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई, डबल ए एप्सिलॉन देन डबल बी एंड एप्सिलॉन। सो डबल ए एप्सिलॉन एंड डबल बी एप्सिलॉन, एनीथिंग कॉन्कैटिनेटेड विद एप्सिलॉन प्रोड्यूसेस द सेम थिंग और इट हैज नो इफेक्ट। सो डबल ए डबल बी इज प्रोड्यूस्ड बाई दिस ग्राम। सो इस तरह से हम गिवेन टाइप की लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर बना सकते हैं, और जो ग्रामर हमने बनाया है ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जो ग्रामर हम बना रहे हैं दिस इज दी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। लैंग्वेज तो रेगुलर है लेकिन जो हमने हमने इससे जो ग्रामर बनाया है वो कंटेक्स्ट फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।